चिंदे फ्रेंड्स, और आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं मेडिसन रैपर से यहाँ पर हम वैक्स फ्लावर बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम बनाएंगे, गरम वैक्स को खाली रैपर में डालेंगे और यहाँ पर इसको सूखने के लिए हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये सूख चुके हैं और मैंने यहाँ पर दो कलर की जो वैक्स ली है, एक ये हमारी पिंक कलर की थी और एक ये हमारी क्रीमिश कलर की है। तो यहाँ पर दो इस तरह से मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए और भी मैं बना लूँगी और रेडी कर लूँगी यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कई सारे पेटल्स के लिए मैंने ये तैयार कर लिए हैं वैक्स से। और फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर देखिए दिया बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर नीचे का जो बेस बनाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर लिया है और इसको मैंने यहाँ पर हाफ कर लिया है। ये आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा फॉइल पेपर ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये 4 इंच जो हमारे साइज में आएगा ये, तो मैं इसको यहाँ पर डबल फोल्ड करके ले रही हूँ। और एक आप कोई भी छोटी कटोरी हो सकती है आपके पास, या कोई ढक्कन ले सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर जो बोतल का ढक्कन होता है वो लिया है और इसको इस तरह से मैंने गोल शेप देने के लिए इस तरह से इसके अंदर फॉइल को लगा लिया था। और अब इसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए जितना ऊंचाई आपको यानी गहराई देनी है आपको अपने दिए में, उतना आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम यहाँ पर पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे और ये हमारी एक बाउल टाइप में बन जाएगा यहाँ पर, ताकि हमारे जो
हम दिया बनाएंगे वो आसानी से बन जाए। तो देखिए यहाँ पर ये रेडी हो चुका है और अब हम यहाँ पर ये जो हमारी वैक्स की कैन जो हमने बनाए हैं शेप दी है इनको हम यहाँ पर लेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम इसको इसमें लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर, और ये एक हम लेंगे कैंडल के अंदर की जो हमारी जो ये धागा होता है इसको ले लिया है इसी में हमने। तो अब हम यहाँ पर गरम वैक्स लेते हैं और पहले हम उससे यहाँ पर इस तरह से इनको लगा लेंगे। तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं इनको। तो इस तरह से मैं इनको सारी साइड में इस तरह से लगा लूँगी और एक ये बहुत सुंदर फ्लावर जो हमारा दिया है वो बन जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टोटल ये हमारे 7 जो पेटल्स हैं बनाई हैं इसकी जो हमारे, तो उनको मैंने इस तरह से लगा लिया है और जो गरम वैक्स था उसको अंदर हम इस तरह से डाल लेंगे और इसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने देंगे और इसके बीच में फिर हम यहाँ पर ये जो धागा है इसको लगा लेंगे, बत्ती है जो हमारी। तो इस तरह से ये सीधी खड़ी हो जाएगी जब ये सूख जाएगा और इस तरह से हमारा ये जो दिया है तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसी तरह से देखिए मैं यहाँ पर दूसरा वाला दिया भी रेडी कर रही हूँ। तो ये भी हमारा इस तरह से रेडी हो जाएगा और अब हम इनको अच्छे से थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से बनाने के बाद में अब हम इनको, ये हमारे जो दिए हैं रेडी हो गए हैं। आप चाहे तो जो इनका हमने जो फॉइल पेपर लिया था इसके ऊपर भी आप कलर कर सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से देखिए ये लुक आएगा इन दोनों का। और इसके बीच में हमने ये छोटी सी हमारी सिल्वर कलर की जो बॉल थी, हमारे पास बहुत छोटे दाने थे ये डाल लिए थे इसमें हमने जब ये थोड़ा गीला था। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इनका लुक आएगा, इस वाले में दिखाई नहीं दे रहा है और जो महरूम वाला है उसमें जो पिंकिस है इसमें दिखाई दे रहा है ये। तो देखिए फ्रेंड्स जलाकर कितना सुंदर लग रहा है ये। तो आप खुद से बहुत सुंदर दिया यहाँ पर रेडी कर सकते हैं और ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको इसको जला के दिखा रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स और आप इसको अच्छे से डेकोरेशन के लिए, आपके पास कोई भी बीड्स वगैरह हैं उनकी लड़ी या कोई फ्लावर्स है रेडीमेड उनको लगा सकते हैं साथ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये इस तरह से लुक आएगा और मेरे पास जो बीड्स हैं उनको मैं यहाँ पर डेकोरेशन के लिए लगाऊंगी तो यहाँ पर बहुत अच्छा लुक आ जाएगा। तो देखिए ये कितने सुंदर फ्लावर टाइप में लग रहे हैं हमारे जो दिया हैं। तो फ्रेंड्स आप डेकोरेशन के लिए इस तरह से कोई भी यहाँ पर रख सकते हैं कुछ भी चीज़ सुंदर सी और बहुत सुंदर लगेगा इस तरह से डेकोरेशन आइडिया हमारा। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।